अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विस एंड डेवलपमेंट सीएस 311 का फर्स्ट असाइनमेंट। ये सब कुछ मैं आपको समझाने वाला हूँ, लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस असाइनमेंट में करने के लिए आपको एक ट्री दिया गया है, ठीक है। ये है आपका एग्जाम्पल ट्री, आपने इसका लिखना है एग्जाम्पल कोड, ठीक है। जिसमें आपको यहाँ पर दिया है एक रूट एलिमेंट, ये पैशन आपका है रूट एलिमेंट। रूट एलिमेंट के अंदर आपका है एनफो एलिमेंट, और इस एनफो एलिमेंट के फिर है सब एलिमेंट नेम कॉन्टैक्ट, और इस तरह फिर इन कॉन्टैक्ट और नेम के भी सब एलिमेंट है। फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, ये हो गया नेम के लिए, ये है कॉन्टैक्ट के लिए हॉस्पिटल एनफो फोन नंबर, और इस तरह हॉस्पिटल एनफो के लिए भी सब एलिमेंट है, ठीक है। तो आपने इसका एग्जाम्पल कोड लिखना है। तो इसको लिखने के लिए आपके पास एक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, नोटपैड या कोई भी टेक्स्ट एडिटर हो आपके पास तो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अभी मेरे पास है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, आपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर कोई भी एडिटर को आपने ओपन करना है। और एग्जाम्पल कोड लिखने के लिए आपने सबसे पहले ये वाला लाइन लिखना है, ठीक है। लेस देन क्वेश्चन मार्क्स एग्जाम्पल, और यहाँ एट्रीब्यूट में आपने लिखना है वर्जन, ठीक है। ये वर्जन एट्रीब्यूट आपने यहाँ पर लिखना है इक्वल टू 1.0, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क्स इससे आपने क्लोज करना है, ठीक है। उसके अलावा फिर आपका जो भी रूट एलिमेंट है आपने उसको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास रूट एलिमेंट है पेशेंट, तो इस पेशेंट को आपने लिखना है। और इसको फिर आपने करना है क्लोज, ठीक है। तो ये हो गया आपका रूट एलिमेंट, और साथ में इस फाइल को भी आपने सेव करना है। तो मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल एस, ठीक है। यहाँ पर जो भी टैग है, ठीक है, इस टैग के नेम से आप सेव कर सकते हो, कंट्रोल सी, कंट्रोल एस, और उस डायरेक्टरी में आपने इस फाइल को रखना है, ठीक है, ताकि फिर आपको पता हो। यहाँ पर आपने लिखना है फाइल नेम, ठीक है, और डॉट एग्जाम्पल एक्सटेंशन के साथ आपने सेव करना है डॉट एग्जाम्पल, ठीक है। फिलहाल मैं सेव कर रहा हूँ डेस्कटॉप पर, इसको मैं करता हूँ सेव। इस फैशन के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट है वो है एनफो, ठीक है। तो आपने यहाँ पर लिखना है एनफो, ठीक है। तो एनफो के अंदर फिर है नेम और एक है कॉन्टैक्ट नंबर, तो आपने ये दो टैग का यूज करके ये दो एलिमेंट बनाने हैं, एक है नेम, ठीक है, इस नेम इसको आपने क्लोज करना है, और एक आपने लेना है कॉन्टैक्ट, ये नेम हो गया। दूसरा एलिमेंट है कॉन्टैक्ट, तो आपने यहाँ पर लिखना है कॉन्टैक्ट, और इसको फिर आपने क्लोज करना है। और इस नेम के अंदर आपके पास तीन एलिमेंट है, तीन सब एलिमेंट है, ठीक है। एक है फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम, तो ये आपने लिखना है नेम के अंदर, ठीक है, नेम टैग के अंदर आपने लिखना है। ठीक है, और दूसरा है लास्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ठीक है, और इसके अलावा है लास्ट नेम, करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल एस। इसके पाथ को आपने कॉपी करना है, कॉपी फाइल पाथ, ठीक है, और किसी भी ब्राउजर में आपने ओपन करना है।
ये हो गया हमारा रूट, रूट एलिमेंट पैशन, उसके अंदर है एनफ, ठीक है, और एनफ के अंदर हमारे पास है नेम, ठीक है, नेम के अंदर फिर हमारे पास है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम, उसके अलावा हमारे पास है कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। तो इस तरह ये आपका ट्री बन रहा है। अच्छा, तो उसके बाद हमारे पास है कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट के अंदर हमारे पास दो सब एलिमेंट है, एक है हॉस्पिटल एनपो और एक है फोन नंबर, ठीक है, तो इसको भी लिखते हैं हॉस्पिटल एनपो फोन नंबर। ये हो गया कॉन्टैक्ट, इसके अंदर होगा हॉस्पिटल, और उसके अलावा है फोन नंबर। हॉस्पिटल एनपो के अंदर है हमारे पास एक है हॉस्पिटल नेम, लोकेशन और एक है पीडीसीएल नंबर। दूसरा है लोकेशन, ठीक है, और थर्ड है हमारे पास पीटीसीएल नंबर। इसके अलावा लोकेशन के अंदर भी सब एलिमेंट, लोकेशन में है स्ट्रीट, रीजन नंबर और सिटी। तो आपने यहाँ पर ओपन करना है लोकेशन, ठीक है, और लोकेशन के अंदर आपने पहले लिखना है स्ट्रीट, ठीक है, और उसके अलावा है रीजन नंबर, ठीक है, ये है रीजन नेम और सिटी। और थर्ड है हमारे पास सिटी, ठीक है। तो इस तरह आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो जाता है, आपकी असाइनमेंट की कोडिंग। इसको एक बार रन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये आपका एग्जाम्पल ट्री बन गया है, ठीक है, ये है हमारे पास एग्जाम्पल ट्री। अभी इसको आपने सबमिट किस तरह करना है, कोड है, ठीक है, आपने इसको कॉपी करना है कंट्रोल ए, ठीक है, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और आपका जो भी वर्ड फाइल होगा, ठीक है, आपने यहाँ पर नीचे पेस्ट करना है, और इस, ठीक है, आपने इस तरह डॉक फाइल में सबमिट करना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है, आपको कुछ समझ आ गया, कुछ सीख गए, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।